राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 में कंडाघाट के समीप आज एक बार फिर से पहाड़ी दरकने से शिमला चंडीगढ़ मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कुछ दिनों पहले भी इसी स्थान पर पहाड़ दरकने से सड़क पर मलबा आ गया था, जिसकी वजह से सड़क मार्ग काफी समय के लिए अवरुद्ध हुआ था। सोलन में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फोर लेन कटाई के चलते पहाड़ अपनी पकड़ खो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। सुखद बात यह है कि अभी तक इस तरह की घटनाओं में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि कंडाघाट पुलिस एवं एरिफ कंपनी के कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए शीघ्र ही इस अवरुद्ध मार्ग को खोल दिया था। इस मौके पर ब्रिजलाल थाना प्रभारी कंडाघाट एवं उनकी टीम ने विशेष रूप से मोर्चा संभाला। वही एरिफ कंपनी के सड़क सुरक्षा प्रबंधक अविनाश दुबे के साथ मिलकर यातायात को ज्यादा देर बाधित होने से रोक लिया। अविनाश दुबे, मैनेजर सेफ्टी एरिफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो ये चंबा घाट से कैथली घाट तक फोर लेन का काम कर रही है कंपनी। तो ये 114-500 पे हमारे यहाँ स्लाइड लैंड स्लाइड आ गई थी सुबह 7:30-8 बजे के आसपास। तो अभी 10 से 15 मिनट के लिए हाईवे जाम हुआ था। फिर हमारी मशीनें यहीं पे डिप्लॉय हैं ऑलरेडी, जो है दो लोडर और पोकलैन ग्रेडर, ये सारी मशीनें यहाँ पे रखी गई हैं। तो वो सारे कर्मचारी और कंडाघाट पुलिस, सोलन पुलिस और हम सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग लग करके इसको 10 से 15 मिनट लगा था खाली करने में। अभी एनएच हमारा स्मूथली चल पड़ा है और अब कोई ऐसी संभावना नहीं है कि कोई पत्थर आएगा। तो हमारी मशीनें खड़ी हैं, हम लगातार यहाँ पे अपना नज़र बनाए हुए हैं और लोग आसानी से अब सेफली आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को भी थोड़ा सा मैं अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप पहाड़ी इलाके में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टूरिस्ट हैं, परिवार फैमिली के साथ बच्चों के साथ चले हुए हैं, तो ऐसी जगह को अवॉइड करें जो लैंडस्लाइड एरिया है। जगह जगह बैनर डिस्प्ले किए गए हैं, वो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, रोड सेफ्टी साइन के बोर्ड लगे हुए हैं कि पहाड़ से पत्थर आने की संभावना है। तो उन जगहों पे अपनी गाड़ियां ना खड़ी करें, ना रुक के वहां सेल्फी लें, वहां पे मतलब अपना सुरक्षित तरीके से निकल जाएं धीरे से जो है। ऐसा ना हो कि वहां पे ज़्यादा धीरे चलें या रुकने का प्रयास करें, ऐसे में हादसे का डर रहता है। और आप जब भी अपनी गाड़ियां पार्क करें तो सेफ जगह पर पार्क करें, और बस यही सब ध्यान देने की चीज़ें हैं। बाकी रेनी सीज़न है, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा रहेगा। हम अलर्ट मोड में हैं, पुलिस अलर्ट मोड में है। कंडाघाट से कृष्ण सिंह भान की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।